मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं छोटा सा पद लेकर के कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं सेन महाराज के हमारी जन्मतिथि 27 अप्रैल को है और मैं सभी सेन महाराज के इस कार्यक्रम में सभी विंध्यवासियों से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया अपना समय, अमूल समय देकर के थोड़ा सा सेन महाराज की माला अर्पण करके और सेन के आरती करके और इस PNT में जो लोग सम्मिलित होना चाहते सुबह सुबह उनका सेन महाराज की जो मूर्ति है वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित है। हाँ, कार्यक्रम आयोजित है और अपने जो भी यहाँ शैलेश सेन जी के माध्यम से वहाँ के लोगों को आमंत्रित किया गया है कि अपने जुलूस से और मैं वहाँ जुलूस लेकर के वहाँ पहुँचे और अपने उन्होंने स्वागत करेंगे और खाने पीने की सब व्यवस्था की गई है। देखा जाए तो सेन महाराज से पहचान आप लोगों को दी है, ये प्रभु की ऊपर पर कृपा रही है। हाँ। आज आप इतिहास में भी नामदार, जब पुराणों में भी सेन महाराज का नामदार। सेन महाराज को सभी लोग मानते हैं, सभी समाज के बंधु मानते हैं। हम लोग तो उनका हम उनके तो वंशज हैं, इसीलिए तो हम लोग तो मनाते हैं और मनाते हैं लोग, हर वर्ग के लोग सेन महाराज को मानते हैं। इस कार्यक्रम में मैं सभी वर्ग समूह के लोगों से कहूँगा कि आप सब वहाँ आमंत्रित हैं, इस कार्यक्रम को खूब धूमधाम से मनाया जाए, यही मेरी विचारधारा यही है। राजधानी में सेन प्रदेश से सेन समाज का काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। बहुत है सेन समाज से, हमारे विंध्य के सबसे ज़्यादा, हमको तो ऐसा लगता है कि विंध्य सेन समाज के सबसे ज़्यादा लोग हैं और आदर समाज के भी बहुत से लोग हमारे दिन वो सारे सब लोग सेन समाज के लोग हैं। वो सत्तर को सेन महाराज जयंती मनाए और बड़े उल्लास से दिल्ली चौराहे सेन महाराज जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हमारे सभी सेन के बंधु जो भी सेन लिखते हैं, वो सराठे लिखते जो भी लगे, सभी को मैं वहाँ आमंत्रित करूँगा, सब लोग वहाँ सम्मिलित हो और